नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। पाकिस्तानी नंबर से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को आया मैसेज। प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी चीफ बिपिन रावत को जान से मारने की धमकी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार है। आज बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा को मोबाइल पर खुद उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी चीफ बिपिन रावत को जान से मारने की धमकी दी गई है। कश्मीरी आतंकी होने का दावा करने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप भेज करके धमकी दी गई है। मैसेज के अलावा तेजिंदर पाल बग्गा को फोन करके भी धमकी दी गई है। बग्गा ने इस कॉल की रिकॉर्डिंग अपने ट्विटर पर शेयर किया है। बग्गा ने ट्वीट करके लिखा है कि बेटा, इस धमकी से तुम हमें डरा नहीं पाओगे। ये नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान है, बोलेगा कम मारेगा ज्यादा। मुश्किलों में घिरे आजम खान को मिला 33 साल पुराने दोस्त मुलायम सिंह का साथ। कहा, चंदे के पैसे से बनी है जौहर यूनिवर्सिटी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान का बचाव किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मुलायम सिंह ने कहा है कि हमारे साथी आजम खान ने देश विदेश से मित्रों के से चंदा लेकर के यूनिवर्सिटी बनाई है। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत कर यूनिवर्सिटी बनाई है। मुलायम सिंह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में सैकड़ों बीघा जमीन खरीदने वाला इंसान 1.5-2 बीघा जमीन की बेईमानी कैसे कर सकता है। बात करते करते मुलायम सिंह रो पड़े। मुलायम सिंह ने कहा है कि आजम खान साधारण परिवार से हैं, जिंदगी भर मेहनत की है। बहुत मेहनत के बाद छात्र संघ के नेता बने। उन पर मात्र 2 बीघा जमीन के लिए 27 मुकदमे दर्ज हैं। एक ही घाटा संख्या पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गरीब की लड़ाई लड़ने वाला आजम खान कैसे जालिम हो सकता है। मुलायम सिंह ने कहा है कि आजम खान को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है उनके खिलाफ मैं और मेरी पार्टी कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल होंगे। बिल एंड गेट्स फाउंडेशन की ओर से मिल रहे पुरस्कार पर पुनः विचार करें प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कार पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि फाउंडेशन पर गंभीर आरोप है कि वह परोपकार की आड़ में व्यापार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत मिशन के लिए बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन सम्मानित करेगा। फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान देगा। आरएसएस और हिंदू संगठनों को लेकर के टिप्पणी करने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरोपी मुकदमे दर्ज। आरएसएस और हिंदू संगठनों पर टिप्पणी करने को लेकर के दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ है। मुजफ्फरपुर की सीजीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने उन पर आधिकारिक मुकदमे दर्ज कराए हैं। केस की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और हिंदू संगठनों के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और हिंदू संगठन आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। इस बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। चूंकि मैं भी हिंदू हूं, इसीलिए मैंने माननीय सीजीएम कोर्ट के एक आपराधिक मुकदमे दर्ज करा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 सितंबर को तिथि निर्धारित की है। आपकी बागी विधायक अलका लांबा सोनिया गांधी से मिली। कांग्रेस में शामिल होने की अटकने तेज। आम आदमी पार्टी की बागी विधायक अलका लांबा ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद ये अटकने तेज हो गई कि वह जल्दी कांग्रेस का दमन थाप सकती है। चांदनी चौक के विधायक अलका ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने अभी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की है। मुलाकात के बाद अलका ने कहा है कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बल्कि यूपीए की प्रमुख और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की एक बड़ी नेता भी है। देश के मौजूदा हालात पर उन्हें लंबे समय से चर्चा बाकी थी। आज मौका मिला है तो उनसे हर मुद्दे पर खुलकर के बात हुई है। आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुकी है। बागी विधायक अलका लांबा आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद पर मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की अटकने भी तेज हो गई है। मिताली राज ने T20 क्रिकेट को कहा अलविदा। बोले, 2021 विश्व कप पर करना है फोकस। सीमित ओवर में क्रिकेट में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने सोमवार को T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, ताकि 2021 में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए वनडे क्रिकेट पर फोकस कर सके। 36 वर्ष की मिताली राज ने 32 T20 मैचों में टीम की कप्तानी की है, जिसमें से 3 महिला T20 मैच 2012, 2014 और 2016 शामिल है। मिताली ने T20 क्रिकेट में 89 मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक 2354 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 97 रन पर रहा है। उन्होंने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में T20 क्रिकेट को संपादित किया था। कैबिनेट ने दी IDBI बैंक में पूंजी डालने की मंजूरी। 9,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आज केंद्र सरकार की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी कि CC ने IDBI बैंक में रिकैपिटलाइजेशन के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार और LIC IDBI बैंक में 9,300 करोड़ रुपए की पूंजी डालेंगे। इसमें से सरकार की ओर से एक पुनर्बागी के रूप में 4,557 करोड़ रुपए भी शामिल है। इसका मकसद बैंक की कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में IDBI बैंक के एक कारोबार में पूंजी डालने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह पूंजी सरकार और भारतीय जीवन बीमा दोनों के लिए ओर से डाली जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा द्विपक्षीय बैठक के दौरान तेल गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिनों की रूस की यात्रा पर जाएंगे। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम रूस के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्लादिवोस्तोक में चल रहे जूडो मुकाबले भी देखने जाएंगे। व्लादिवोस्तोक की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के बीच विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौते होने के साथ ही तेल और गैस क्षेत्र में गहरे सहयोग के लिए 5 वर्षीय खाका तैयार करने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश सचिव ने कहा है कि तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग की संभावना को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों के 5 साल का खाका यानी 2019 से 2024 तक बनाने की उम्मीद है।